सर आज बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पे ऐसा लगा सर जैसे कि जिंदगी सर हमारे हम इसी साल आ गए यहाँ सर। सर ऐसा लगा कि जिंदगी में हमने कोई नहीं ऐसा देखा, ऐसे यहाँ इतना अच्छा देखा सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ, हमारे साथ इन भाइयों ने भी बहनों ने भी इसमें शुक्र की, इनका हम बहुत शुक्र गुजारा सर, क्योंकि हमारे सर भी यहाँ पे शुक्र किए थे सर, भाई के साथ एस पी साहब, डी एस पी साहब सर, बोझे सर, सर थे यहाँ पे, इनका हमारे our college which we are representing in front of you, that is High Group of Institute. Firstly, I would like to thank all the sponsors, organizers and my college management. लद्दाख के बच्चों के लिए 2 crore 65 lakh rupees ka my course, that is BLLB, be experience with all of you guys. मैं भी आप ही की तरह एक student थी सर, आई थिंक 50% थे सर जो जो यहाँ पे बैठे सर, मतलब उनका दिमाग ही पे था सर, कंसेंट्रेट 50% वो थे जो टाइम पास कर रहे थे सर, हमें उनके साथ कोई नहीं था सर, बाकी जो 50% यहाँ पे थे जिनका दिमाग वहीं था, वो सोच रहे थे सर, वो इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे कि हमारे यहाँ पे कुछ आना कुछ पता होना चाहिए सर, क्योंकि दिमाग सर, क्योंकि बाहर से जो सर आए थे यहाँ पे वो यही आके लेकर आए थे, क्योंकि हम उन्होंने यहाँ से क्या लाया सर, एजुकेशन लाया सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहली बात सर, अगर इस एजुकेशन फेस्टिवल की बात करें, ये इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नॉर्थ कश्मीर सापुरा। इस इवेंट में आज हमारे पास 10,000 से प्लस बच्चा जो रिपोर्ट कर गया, जो ऑन बोर्ड था हमारे पास, इसमें प्लस टू पास आउट स्टूडेंट्स थे, इसमें 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे, इसमें सर 10th पास आउट स्टूडेंट्स थे, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज सर आई थी, बेंगलोर से कॉलेज आए थे, पंजाब से कॉलेज आए थे, हरियाणा से कॉलेज आए थे, हिमाचल प्रदेश से कॉलेज आए थे, और स्पेशली BFIT देहरादून कॉलेज आया था, जिन्होंने ऑन स्पॉट स्कॉलरशिप दे दी अनाउंसमेंट को भी। सर अगर टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें, हम हमारे नॉर्थ कश्मीर के बच्चों को कितनी मिली, वो अप्रोक्स 1.5 करोड़ से प्लस ही होगी सर। इसमें हम लोग एक अभी आज के इवेंट के बाद हम लोग मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे हम लोग एक इसका स्कॉलरशिप डेट निकालेंगे, जो बच्चा हमारा टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट पास करेगा उन बच्चों के लिए शिक्षा परीक्षा के नाम से प्रॉपर स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ये मेरिटोरियस जो बच्चा हमारे पास पास ही करेगा ऑब्वियसली बात है सर उन बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और हमने इसमें एक और चीज सर रखी है, अभी प्लस टू के रिजल्ट हमारे आने वाले हैं, और इसमें क्या है कि 10 जो पहले टॉपर 10 बच्चे रहेंगे उनके लिए हमने 100% फुल ट्यूशन फीस आप पे वेव ऑफ कर दिया सर। मिली हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ डायरेक्टली रूबरू मिले हैं और जिनको मैंने पूरा कैरियर के बारे में सलाह दी है, उनकी काउंसलिंग की है, उनको समझाया है, जो कि मैं एक बार आप लोगों को भी सबको बताना चाहती हूँ कि कोचिंग हम साथ साथ बच्चों को प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखा है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाना चाहता है, कैरियर के लिए बहुत चिंतित है, हर बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है बट कैरियर के लिए उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो BFIT 2.0 जो हमने हमारा नाम है इस साल से, उसमें हमारा एक ही मकसद है कि स्टूडेंट्स को हम एक अच्छा कैरियर दे पाएँ, ताकि वो अगर हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं कोचिंग दें उन्हें, और उसके साथ उनको 100% प्लेसमेंट्स के लिए उनके ऊपर पूरा काम करें, चाहे वो कोई भी फील्ड में जाना चाहे। मैम, मैं एक दिल से ये बात करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट है मुझे सबसे अच्छा स्टूडेंट लगता है, कारण ये है कि पढ़ाई में बहुत बढ़िया है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, तो उन्हीं के लिए ही मैंने ये स्कॉलरशिप जो है आज ऐलान की है, कि मैं ये अब दोबारा से एक बार फिर ऐलान करना चाहती हूँ, बैचलर और मास्टर्स कोर्सेज में स्कॉलरशिप सीट्स हम ऑफर कर रहे हैं। 10 सीटें मैं बैचलर कोर्सेज में दे रही हूँ, जिसमें आप जिसको हम फ्री स्कॉलरशिप सीट कहते हैं, और 5-5 सीटें मैं मास्टर कोर्सेज के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तमाम कोर्सेज जितने भी कोर्सेज हैं, इसकी लास्ट डेट 15 जून है रजिस्ट्रेशन की। अगर स्टूडेंट कहता है कि उनका रिजल्ट नहीं भी आया, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, 1200 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ हॉस्टल्स जो है वो रहेंगे, ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाए।